पॉइसलीज फॉर्मूला में ये वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड आ गया। ठीक, अगर आपको याद हो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी करके आपने 10th क्लास में एक टॉपिक किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या लेते थे, एक वायर जिसकी क्या होती थी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, वायर में क्या जाता था करंट, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ही था, और वायर के अक्रॉस क्या डेवलप हो जाता था पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वी ये डेवलप होता था, और हम क्या लगाते थे पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू आर। तो करंट की वैल्यू क्या होती थी वी डिवाइडेड बाय आर, करंट होता क्या है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, तो लिख लें यहां पर दिस इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, और न्यूमिनेटर में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या चीज है दिस इज वायर की रेजिस्टेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, वायर की रेजिस्टेंस ऐसे ही है। अब इसमें बेसिकली क्या है कंपेयर करो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कंपेयर करते हैं किसके साथ ट्यूब के साथ, तो क्या करेंगे वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड की जगह क्या एज्यूम करना है चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक, यहां पर ट्यूब में क्या लेते हैं प्रेशर डिफरेंस, और इसमें क्या लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू यहां पे डेल्टा पी ऊपर 8 ईटा एल पाई आर की पावर 4 नीचे, पूरा नीचे ले आया मैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड है वैसे यहां पर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड है। ठीक, कंपेयर कर रहे हैं, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां पर प्रेशर डिफरेंस है, यहां पर कौन सी रेजिस्टेंस है वायर की रेजिस्टेंस है, यहां पर लिक्विड रेजिस्टेंस है। तो लिक्विड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर किसी क्वेश्चन में मार्क करने को आ जाए तो प्लीज ये नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर में, तो आपने ये तो नोट कर ही लिया, ये नोट करते हुए ये फॉर्मूला लिखें लिक्विड की रेजिस्टेंस इज गिवन बाय 8 ईटा एल बाय पाई आर की पावर 4, ये नोट करें प्लीज अगर मार्क करने को आ जाए तो, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करके इसको ऐसे लिखेंगे।